फिल्म इंडस्ट्री की चांदनी कब सबके बीच से चली गई किसी को पता ही नहीं चला। अभी भी उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत के बाद कई रहस्य सामने आ रहे हैं। श्रीदेवी की मौत का बड़ा खुलासा, आखिरी वो 30 मिनट की कहानी, जानिए क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ। यूएई के अखबार खलीस टाइम्स ने श्रीदेवी के आखिरी 30 मिनट की कहानी छापी है। इसमें कहा गया है कि मौत से पहले आखिरी 30 मिनट में श्रीदेवी के साथ क्या हुआ था। अखबार का दावा है कि श्रीदेवी बाथटब में बेसुध गिरी पड़ी थी। अखबार ने लिखा है, शनिवार रात बोनी कपूर मुंबई से वापस जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल लौटे। वह श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर पर ले जाना चाहते थे। बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को उठाया और उनसे करीब 15 मिनट तक बात की। बोनी ने श्रीदेवी को डिनर का इनविटेशन दिया था। श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई थी। अखबार ने आगे लिखा, 15 मिनट तक श्रीदेवी बाहर नहीं निकली तो बोनी कपूर ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो बोनी ने धक्का देकर दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में पड़ी है। इसके बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन श्रीदेवी नहीं उठी। अखबार के मुताबिक इसके बाद बोनी ने अपने दोस्त को फोन किया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस फौरन होटल के कमरे में पहुंची, लेकिन अब तक श्रीदेवी इस दुनिया से जा चुकी थी। नमामि भारत एंटरटेनमेंट डेस्क।